नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे थे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आज होने वाला है हमारा 25वां मॉक टेस्ट। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम निरंतर प्रयास में लगे रहे हैं अपने मॉक टेस्ट की प्रश्न श्रृंखला में। तो आज हम 25वां मॉक टेस्ट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आपका एक और मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल रात में 9 बजे के बीच में आपका मॉक टेस्ट आया था 2.0। तो उसमें हमने देखा था अभिकथन देखे थे, तर्क देखे थे, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखी थी, महत्वपूर्ण कथन देखे थे। तो ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस होते हैं JNU, BHU, जामिया, DU में, तो उन सभी को हम 2.0 में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम अपने पूरा ऑल ओवर लेके चलेंगे। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रमुख पत्रिकाएँ, उपन्यास, कविताएँ, सभी इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, समझ गए ना। तो ये वीडियो इसकी होगी और प्रमुख जो उन सभी टॉपिक के लिए होगी वो 2.0 होगी आप सभी के लिए, समझ गए। तो हम शुरू कर लेते हैं फिर अपने हम MA हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 25। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले मेरे सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और बगल में देखे बेल आइकन को तो ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको MA हिंदी से रिलेटेड तो आपको वीडियो मिलती ही रहती हैं, पर यहाँ पर आपको JNU, DU, BHU और जामिया से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती हो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाती है, समझ गए साथियों। और ये शेयर का ऑप्शन इसलिए आपको बताया जाता है, शेयर इसलिए बताया जाता है कि जितने भी आपके साथी होते हैं जो JNU, BHU, जामिया, DU से तैयारी कर रहे हैं MA हिंदी के लिए इस बार एंट्रेंस की, तो बहुत ही कम समय बचा है, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, समझ गए साथियों। और कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट का, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उन सभी में आपसे मैं ये पूछता हूँ लास्ट का क्वेश्चन बताइए बहुत ही भरपूर तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये कि जिसमें उसमें क्वेश्चन पूछा जितना आपको उसमें याद हो सब लिखिए, समझ गए। जो हम शुरू करते हैं फिर मॉक टेस्ट, समझ गए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे साथियों, उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे आप सभी। और जितने भी इसके अंदर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के प्रश्न होते हैं ना, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं हम सभी, इसलिए इसको करेंगे आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबदी की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया प्राप्त हुआ, बताइए किसमें प्राप्त हुआ था। तो आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लिए होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदानिश या शय में शरगम, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हम सही जो देखेंगे जो ऑप्शन होने वाला है आपका औपन्यासिक कृति जिसे कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान मिला 2017 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए, समय शरगम इसका सही विकल्प होने वाला है पहले क्वेश्चन का। तो आपको याद रखना है कि ये जो व्यास सम्मान है यमा कृष्णा सोबती को मिला समय सरगम में, कब मिला था, 2007 में मिला था और पूछा जाता था कि कैसी कृति, तो औपन्यासिक कृति है, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन हमको याद करने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी साथी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर लगाएंगे मुझे पता है। तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1900 से किसे प्राप्त हुआ, 1900 साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ जिसमें 1990 में 1900 में इसमें है ना, तो 1900 में किसे प्राप्त हुआ, 1990 कर लेना दोस्तों इसे, 1990, तो इसे हटा के 1990 किसे प्राप्त हुआ, तो बताइए किसे प्राप्त हुआ। तो शिवप्रसाद सिंह जी को, भीष्म शिहानी जी को, कृष्णा सोबती जी को या धर्मवीर भारती जी को, बताइए किसमें मिला था उनको 1990 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो यह हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प चला जाता है किस पे जाता है, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990, समझ गए। आप सभी को याद रखना है कि पूछा जाता है कि नीला चांद आखिर है किसका, तो आपको याद रखना कि शिव प्रसाद सिंह का। पूछा जाए कि इसके अंदर क्या सम्मान मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस सन में मिला था, तो 1990 में मिला था, ये ऐसे आपको याद रखना है, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी साथी इसका बेखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर लगाएंगे।
तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि वही आपका, इसमें सभी के सभी हम साहित्य अकादमी पुरस्कार लेके चलेंगे, व्यास सम्मान लेके चलेंगे, जो आपके, मैं बता दूँ, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसी क्लास में पूरा कवर कर सकते हैं इसमें, समझ गए। तो हम इसमें काफ़ी प्रश्न इसके सॉल्व कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ, 1992 में किसे प्राप्त हुआ, तो बताइए, गिरिराज किशोर जी को, फणीश्वर नाथ रेणु जी को, रामदर्श मिश्र जी को, इराही मसूम रजा जी को। तो बताइए किसे प्राप्त हुआ था 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बताइए। तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथियों ने इसका बेकाबू से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज किशोर का ढाइंगर, इसका सही विकल्प होने वाला है। तो इसमें इनको मिला था 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको याद रखें ढाइंगर आखिर है किसका, तो गिरिराज किशोर का है। और किस में इसको सम्मान मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, 1992 में। तो ऐसे आपको याद रखना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो बाकी के जो नीचे के ऑप्शन है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कि पूछा जाता है पानी के प्रचीर किसका है, तो रामदर्श मिश्र आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन, पता है, ऐसे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इसलिए आपको एग्जामिनर जो होता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की धरता कि उपन्यास बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती है, पर इंपॉर्टेंट मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं, बहुत पहले से बताता आता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट होता है वही एग्जामिनर पूछता है, कि कुछ अलग से नहीं पूछेगा, वो इन्हीं में से लेके पूछता है। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी को ही पूछता है। उन्हीं सभी को आप बढ़िया से याद करिए, आपका बहुत ही कम समय अब रह गया है एंट्रेंस के लिए, तो वही सब याद करिए। आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसमें ज़्यादा नया मत पढ़ना, जितना भी पुराना है उन सभी को रिविज़न कर लेना, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं फिर। तो यहाँ हम देखेंगे 1993 में किसे प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ पे भी आप बताइए किसको। अगर आपने 1990 से 92 93 और सब याद किए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आपको इस प्रश्नों में करने में बहुत ही कम परेशानी होने वाली है, मैं आप सभी को बता दूँ ये। तो बताइए 1993 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले आप देखेंगे रविंद्र कालिया जी, ऑप्शन नंबर बी अलका सारावती जी सरगवी, और सी शिव प्रसाद सिंह जी, विष्णु प्रभाकर जी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगा लिए होंगे। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प चला जाएगा, किसमें, विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर में मिला था, समझ गए। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था विष्णु प्रभाकर जी को मिला था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को याद करना है, और जितने भी इसके अंदर आप बाकी के दिए गए हैं इन सभी को आप नोट डाउन कर लें। जैसे रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है, कोई बात नहीं, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अपने हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी साथी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर लगाएंगे। कौन सा युगम जो है आपका, युग जो है सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसमें बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो बताइए आपकी स्क्रीन पर है प्रभा खेतान जी का, शिवानी, मन्नू भंडारी या ममता कालिया। बताइए पांचवे का आपका सही विकल्प क्या होने वाला है इसके अंदर। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो ममता कालिया का है दुख में सुख में ये आपका सही है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी ये भी ठीक है, शिवानी कृष्णा के लिए ये भी ठीक है, पर प्रभा खेतान जी का जो ये है आपका अलमा कबूतरी, ये एकदम गलत है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक विकल्प होने वाला है, जो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं था, तो यही है इसका आंसर, प्रभा खेतान का अलमा कबूतरी एकदम गलत है, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी साथी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर लगाएंगे। कौन सा युगम इसमें असंगत है, तो वही पूछा गया कौन सा गलत है, बताइए। कृष्णा सोबती जी, रविंद्र कालिया जी, भीष्म साहनी जी या राजेंद्र यादव जी।
तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लिए होंगे। तो इसके अंदर चलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी गुनाहों का देवता। ये एकदम गलत है, समझ गए? इसमें ऐसे ही आपको देखना था कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे दिया रविंद्र काले का उखड़े हुए लोग एकदम सही है, भीष्म साहनी जो हमने बताया गुनाहों का देवता ये गलत था, बाकी जो आपके तीन दिए गए हैं इसके अंदर वो ठीक हैं। कृष्णा सौबती का भी ठीक है, कृष्णा सौबती का, राजेंद्र यादव का और रविंद्र जी का, ये एकदम ठीक है। बाकी आपका जो भीष्म साहनी का ये गलत है, समझ गए? तो बढ़ते हैं फिर सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? पहला बताइए आपका ए पहला ग्रिमटिया, फिर चिड़ियाघर, फिर जुगलबंदी या डी परिशिष्ट। बताइए कौन सा इसका सही विकल्प होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो गांधी जी पे जो दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर जो केंद्रित उपन्यास है वो पहला ग्रिमटिया है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प जा सकता है, समझ गए? और पूछा था कि आखिर ये पहला ग्रिमटिया है क्या, तो आपको सभी को पता हो किस विधा की रचना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए एक तरह का उपन्यास है, समझ गए? ऐसा आपको क्वेश्चन में याद रखना है। और पूछा किसके जीवन संघर्षों पे है, ये तो ही गांधी जी के जीवन संघर्षों पे है, ऐसे याद रखना है आप सभी को, समझ गए? तो बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आठवां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मृतहीन बालक उद्यान के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, बताइए कौन सा इसमें उपन्यास पूछा गया है। इसमें उद्यान जो है उसका मानसिक विकास और मनोवैज्ञानिक विवेचना किया गया, ऐसे कौन से उपन्यास में किया गया था बताइए। तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका आंसर जो होंगे लगा लिए होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चला जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु एक श्रुति, एकदम ठीक विकल्प जाने वाला है। इसके अंदर ही उद्यन के मानसिक विकास और मनोवैज्ञानिक विवेचना किया गया था। ये एक प्रकार का उपन्यास है जो कि हम बात करें किसका है, नरेश मेहता जी का, जैसे कि आप सभी को इसके अंदर बताया ही गया है, समझ गए? उपन्यास है आप सभी को याद रखना है किसका, नरेश मेहता जी का। ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपकी जो ये श्रृंखला चल रही है बहुत पूर्ण उपन्यासों के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे बताना है एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है बताइए। तो हमारा जो यहाँ पे सही विकल्प चलाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये पथबंधु था, तो ये इसका ठीक विकल्प होने वाला है, समझ गए? तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी जितने भी आंसर इसके अंदर आ रहे हैं, किसने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप सभी का अच्छा स्कोर रहा होगा। और जिसका नहीं भी आ रहा है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपके पास समय है, आप कम से कम डेली 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा लीजिए और अच्छे से अच्छे वीडियो कर लीजिए। लास्ट के जो भी मैंने मॉक टेस्ट बताए थे आपको कल की वीडियो में, वो सभी लास्ट के प्रश्न भी कर लीजिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि वो आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हुए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही पेपर श्रृंखला में बनाया गया है और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है, समझ गए? तो महत्वपूर्ण होगी वो लास्ट के प्रश्न जो है आप कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये दिल्ली विश्वविद्यालय वालों के लिए है, ड्यू वालों के लिए। उसमें पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है और उपन्यास पात्र ये पूछे जाते हैं ना, तो यही बताइए माणिक मुल्ला जो है किस उपन्यास का पात्र है, क्वेश्चन नंबर हमारे 10 में पूछा गया है। तो बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ हम अपने ऑप्शंस एक बार गौरतलब कर लेते हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा, दिलो दानिश, खुदा सही सलामत है, 11 स्वप्नों का देश, तो बताइए कौन सा विकल्प होने वाला है। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, आप सभी को इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कैसे। तो आशा करता हूँ सभी मेरे साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो हमारा सूरज का सातवां घोड़ा इसका सही विकल्प होगा, माणिक मुल्ला जो है इसके अंदर सूरज के सातवें घोड़े में दिया गया है। आप सभी को पूछ सकते हैं कि सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो क्या है, किस विधा की रचना, तो आप सभी को याद रहना एक तरह का उपन्यास है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
बाकी मैं आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो सही खुदा सही सलामत है, 11 सपनों का देश और दिलो दानिश, आखिर किस विधा की रचना। तो आप सभी को इसमें भी याद रखना, ये सभी के सभी जो है उपन्यास हैं, समझ गए। इसमें हमने से केवल पात्र पूछा था, सूरज का सातवां घोड़े का, तो आपको पात्र याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पात्र आपके पूछ ले जाते हैं कि किस उपन्यास का पात्र है, किस कहानी का पात्र है, तो महत्वपूर्ण होते हैं आप सभी के लिए। ड्यू के एग्जाम में आखिर ये देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है, 11वां क्वेश्चन आ चुका है। आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो अलका सरवती को हिंदी साहित्य पुरस्कार 2001 से मिला, किस में मिला था बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में अलका सरवती को किस में मिला था बताइए। सारा आकाश, डूबते मस्तूल, कलिकथा वायापास या उत्तर कथा बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी इसके साथी लगा लिए होंगे इसका ऊपर उसका आंसर। तो हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प जाने वाला है किस पे होगा, अलका सारावती को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 किस में मिला था, वायापास में मिला था, वायापास। तो इसमें ही मिला था इनको। 11वें का हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर जाने वाला है, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आ गया है, 12वां क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा। 12वां क्वेश्चन है, काले फूल के पौधे, काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा किसका है, आखिर पूछिए क्या है इसमें। तो आपसे मैं पूछूंगा पहले ये है किस विधा की रचना, आप सभी को ये भी बताना है और आपको ये भी बताना है आखिर ये है किसका। तो इस देखिए ऑप्शन क्या है इसके अंदर, भगवती चरण वर्मा, प्रभा खेतान जी, लक्ष्मी नारायण लाल जी या कमलेश्वर जी बताइए। काले फूल का पौधा किस विधा की रचना, पूछे पहले पूछेगा किस विधा की रचना। आप सभी को याद रखना है एक प्रकार का ये उपन्यास है, समझ गए, ये एक प्रकार का उपन्यास है, आप सभी को याद रखना है। को पूछिए कि ये आखिर है किसका हमारा 12वें का। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, समझ गए, लक्ष्मी नारायण लाल ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे आपका जो 13वां क्वेश्चन है, बोरीवली से बोरी बंदर तक, आखिर ये किसका उपन्यास है, समझ गए, विधा बता दी मैंने आप सभी को। तो ये उपन्यास है, आप सभी को याद रखना है, समझ गए। तो बताइए आखिर ये किसका है, 13वें का सही विकल्प क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प जाने वाला 13वें का हमारा, इस पर शैलेश मटियानी इसका सही विकल्प होगा, बोरीवली से बोरी बंदर तक, समझ गए, इसका सही उत्तर जो होगा शैलेश मटियानी जी होगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपका 14वां क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो 14वें क्वेश्चन में आप सभी को बताना है ये कथन किसका है, बताइए ये कथन किसका है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत रहता है, तो बताइए किसका है ये कथन। महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का या प्रेमचंद्र जी का बताइए। 14वें का सही विकल्प क्या होने वाला है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। तो ये हमारा जो सही विकल्प जाने वाला है 14वें का ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कथन है, ये कथन हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है। बढ़ते हैं फिर 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर भी आपको बताना है ये कथन किसका है। तो इसमें पूछा गया है, ये कथन है हमारा, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, बताइए ये कथन किसका है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी, गुलाब राय, रामविलास शर्मा या दिनकर जी आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथियों ने इस कथन का उत्तर लगा लिया होगा। तो 15वें का सही विकल्प जाने वाला है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, तो ये गुलाब राय जी ने कहा था, ये उनका कथन है, समझ गए। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट
कथन है, इम्पोर्टेंट कथन हो रहे हैं यहाँ पे आपके, तो बताना है नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला जी की है। तो बताइए ये किसका कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, नहीं पता है तो याद कर लो। ए श्रीकांत वर्मा जी का, प्रेमचंद्र जी का, डॉक्टर नामवर सिंह जी का या महादेवी वर्मा जी का? बताइए 16वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह जी ने कहा है, कथन उनका है, नामवर सिंह जी, डॉक्टर नामवर सिंह इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन शुरू होता है और यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, ये मिलान का क्वेश्चन है, आलोचना दी है आलोचकों के साथ, इसके अंदर मिलान करना है आप सभी को, समझ गए। तो मिलान करना, अच्छे से मिलान करना और सही सब मिलान करना, मैं आप सभी को बोलता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं मिलान करूँ वैसे वैसे आप मिलान करते रहें, बस समझ गए। तो परिचयात्मक या व्याख्यात्मक या आपका सही विकल्प क्या होने वाला बताइए, तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, समझ गए। फिर बात करें कि हम अपना प्रभाववादी ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा तीसरे पे, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय इसका सही विकल्प होगा। फिर बात करें कि स्वच्छंदतावादी, ये हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी, आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम ठीक होगा। फिर बात करें कि हम अपना मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक कौन है, इलाचंद जोशी जी हैं, बहुत ही ज़्यादा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं एक तरीका से, तो इसको मनोवैज्ञानिक पे श्रेणी में ला दिया जाए। तो इस प्रकार से हमने आलोचनाएं और आलोचकों को सही मिलान कर लिया, आप सभी का आशा करता हूं कि सही होगा, किसी का गलत नहीं होगा, समझ गए। गलत है तो उसको याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम है भी आपसे कर सकते हैं। तो ये इसका सही जो मिलान होने वाला है देख लीजिए। तो बढ़ते हैं फिर अपने हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आंसर लगाने का सभी के सभी प्रयास करेंगे। इसमें पूछा गया है अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है, बताइए। अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है बताइए, भारतेंदु जी, मुक्तिबोध जी, डॉक्टर नगेंद्र जी या डॉक्टर नामवर सिंह जी, बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है। अरस्तु का जो काव्यशास्त्र है उसका आलोचनात्मक जो कृति है वो किसने लिखी है, कौन लेखक है उसका, 18वें में पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ सभी ने विकल्प लगाया होगा डॉक्टर नगेंद्र जी पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए। तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसका है, आपको बताना है इसके अंदर, सिंपल इसमें यही पूछा गया है कि आखिर ये किसका है। तो जयशंकर प्रसाद जी का, रागे राघव जी का या प्रेमचंद जी का या दिनकर जी का, बताइए सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड जो है अपना रागे राघव जी का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होने वाला है, समझ गए 20 का सही विकल्प होगा। तो बढ़ते हैं फिर ऐसे ही 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन ऑफ कमेंट, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, इसको आपको बताना है आपके कमेंट बॉक्स में, यह पूछा गया आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य का समाजशास्त्र की भूमिका आखिर किसकी है। तो आप सभी बताएंगे ये किस विधा की रचना है और आखिर ये किसकी है, समझ गए। आपको लास्ट क्वेश्चन की जितनी से ज़्यादा जानकारी उन सभी को कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, इसकी आपकी जो तैयारी बहुत बढ़िया होती है, आप सभी को क्वेश्चन को लगाने की जो तरकीब है वो भी पता चल जाती है कि कैसे हमें क्वेश्चन को एक करना है, तो उसमें क्या क्या हमें पॉइंट उसमें देखने हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और हम जो रात की 9 बजे वाली क्लास होती है वहाँ से हम 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके डेली टू डेली मैं बताऊँगा 50 से 40 से 50 क्वेश्चन आपके डेली टू डेली कवर होते रहेंगे, समझ गए, जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। तो सभी के जब तक आपके एग्ज़ाम है जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे उन सभी मैं निरंतर प्रयास से वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्लास कराता रहूँगा आप सभी को, 9 से लेके जो रात की होती है, दिन की होती है और 1000 होती है महत्वपूर्ण वाली प्रश्न होती है, सभी के सभी लगातार आपके लिए आती रहेगी, समझ गए साथियों। तो यहीं पे मैं अपने साथियों से बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। इस बार हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर हमारा, बहुत ही अच्छा एक बार देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारा, जो देखेंगे कि हमारे कितने अधिक बच्चे हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे हम कि हम 1500 से
1600। इसके अंदर हम स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से कवर हो चुके हैं जो कि एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों से, तो बहुत ही अच्छा रह रहा है समय हमारा। और बात करें कि चैनल पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत ही सभी जो हैं विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, सभी जो हैं पढ़े लिखे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही सही है। आप सभी को जो क्वेश्चन कराया जाता है अगर कुछ गलत होता है तो मुझे तुरंत आप वॉर्न करते हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हाँ किसी को ये तो पता है कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो मुझे जो मिलता है क्वेश्चन में आयोग की तरफ से आता है वो क्वेश्चन लगा देता हूँ, या मुझे पता हो तो मैं उसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, समझ गए। तो यहीं हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे दोस्तों, तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। सभी के सभी 9 बजे वाली क्लास में लाइव आया करिए, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लाइव के लाइव, पहला क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरा और तीसरा, जैसे क्वेश्चन आते रहे उसी का डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर बताया करिए। और जैसे उसके अंदर दूसरे क्वेश्चन में कुछ अधिक जानकारी आपको पता तो वो भी आप तुरंत हमें बताइए, उससे आपको लगेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, और जो और बच्चे भी होंगे उनसे भी पता चल जाएगा आपको कि मेरी इनसे तैयारी अधिक है क्या कम है, समझ गए। और कमेंट बॉक्स में आपसे जो क्वेश्चन कराया गया है लास्ट वाला उसका आंसर आप बताएंगे मुझे, समझ गए साथियों। तो मिलते हैं फिर 9 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।